आप जरा उस लड़की के माँ बाप के बारे में सोचिए। रात भर वो लड़की अपने घर नहीं गई, उसके माँ बाप कितनी टेंशन में होंगे, किस हाल में होंगे वो। लो कर लो बात, अबे मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है। वैसे तुम दोनों बहने ना अव्वल नंबर की वो। अरे वो जहां कहीं भी होगी आ जाएगी। चलो तुम अपना होलिया तो बदलो, कुछ खाया पिया भी है तुमने कि नहीं? हाँ खाया ना, लोगों की गालियां और धक्के। अबे तुझे इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, अगर इतना ही सच्चा है तो सुनता क्यों नहीं है तू? अबे मैं यहाँ वापस तेरी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा बच्चू, तो जो मेरे अंदर आग लगी है उससे कौन बुझाएगा? चल बेटे जल्दी जल्दी बता, मेरी बतूल किधर है, बोल। तू बतूल का मामा लगता है। नवाब तुम वापस आ गए, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अरे मैम साहब अब आप आ गई हो, खुद ही इससे पूछ लो कि बतूल किधर है, क्योंकि ये तो आ गया पर बतूल अभी तक नहीं आई। नवाब देखो ये किसी की जिंदगी का, किसी की इज्जत का मसला है, अगर तुम्हें मालूम है कि बतूल कहाँ है तो प्लीज बता दो। अरे मैडम मुझे कैसे पता होगा कि बतूल कहाँ है? अबे क्यों झूठ बोल रहा है, कीड़े पड़ेंगे तुझे कीड़े, मैंने खुद तुझे देखा था बतूल के साथ रिक्शे में जाते हुए। चल बेटा सच सच बोल, आखिर ऐसा क्या है तुम क्यों नहीं बताना चाहते हो? इसकी नीयत ही गंदी है, इसकी नीयत में फतूर है फतूर। देखो नवाब एक बार घर से पुलिस वालों को निकाल चुकी हूँ मैं, बार बार तुम दोनों को नहीं बचा सकती। मैम साहब इसे बचाने की जरूरत ही क्या है, मैं तो कहता हूँ सीधा थाने लेकर चलते हैं, 4 लीटर पड़ेंगे ना इसे तो खुद ही सब कुछ बक देगा, लातों वाला भूत है, बातों से नहीं मानेगा ये। अबे कमीने अगर मैं थाने गया ना तो अपने साथियों में सबसे पहले तेरा नाम लूंगा, समझा? अबे मेरा क्यों लेगा, मैं बैठ के गया था बतूल के साथ रिक्शे में, तू ही गया था। बेटा मेरे से पंगा मत ले, जाके अभी गवाही देना तो यू तुझे हवालात के अंदर करेंगे, देखियो। अबे तो जा ना, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, रोक ले मुझे, रोक सकता है तो। अच्छा बस आपस में यूं लड़ने से इस मसले का हल निकल आएगा क्या? नहीं ना, देखो बतूल अगर ना मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझे? यही तो उसे कह रहा हूँ, किधर है बतूल? एक जानवर का कत्ल पूरी हमानियत का कत्ल है, और तुम्हारे खिलाफ तो कत्ल का भी मुकदमा होगा। लाहौल मेरा कुबूतर, कैसी बातें कर रहे हो थानेदार साहब, यानी कि जानवर का शिकार करने पे मुझे कत्ल का मुकदमा सुना रहे हो? अरे भाईजान आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरे पास तो ये जानवर शिकार करने का भी लाइसेंस मौजूद है। वो भी खैर से घर में ही होगा। घर पे ही है जी। बड़ा खोचल आदमी है अभी। ओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आप नहीं जानते, कसम अल्लाह पाक की बच्चे बच्चे की जुबान पे और बंदूक की नोक पे मेरा नाम लिखा, आगा गुलफाम मशहूर शिकारी। अच्छा गुलफाम साहब जी, यहाँ से 2 बच्चे गायब हुए। 2 बच्चे? थानेदार साहब कसम अल्लाह पाक की वो तो अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे। हाँ वो नवाब और वो क्या नाम लेते हैं दूसरा बच्ची का, बतूल। बतूल दोनों मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर अपने बच्चे हैं तो फिर भागे क्यों? तेरा क्या हो गया कालिया? मैं कालिया नहीं हूँ, रुकैया हूँ। ओ सांभा रे, कितना इनाम रखा रे भट्टी ने अपनी बेटी पे। अमजद इंसान क्यों नहीं बनते? इंसान तो मैं उस दिन नहीं बना था जिस दिन मैं दूल्हा बना था, भूल गई तू? तुझे ठंडे फर्श पर लिटा दिया था मैंने रूसी लिबास में, और खुद मैं बेड पे लेट के आराम से सो रहा था। तो फिर भी तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? अरे क्या चाहता है तू उस लड़की से? शादी। शर्म कर, भतीजी लगती है तेरी। तू भी शर्म कर, मैं शाहरुख से उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान से? हाँ उस वसीत और इंसान से, उसे कौन रिश्ता देगा इतनी बड़ी जिसामत पर। अब रिश्ता अगर घर चल के आ गया है तो कुफराने नेमत कर रही है, बतूल घर से पनाह मांग रही है, फिर इंशाल्लाह मुझसे भी पनाह मांगेगी। लेकिन बतूल तो इस शादी के लिए राजी नहीं है, और हम तो उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई तब तो सब मुंह में घुंघनियां डाले बैठे थे, कोई भी नहीं बोला था। और तू अपने बदले अपने बच्चों से ले रहा है? बच्चों से नहीं, उस कमीने भट्टी से, भूल गई? उसने मेरी मोहब्बत पर कैसे कब्जा जमा रखा है, अब उसे पता चलेगा, अब उसे पता चलेगा कि अमजद खान डेडिश्किया से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। अरे ऐसे मत हंसा कर, जहर लगता है तू मुझे। मैं नहीं,
माँ बन के सोच रुकैया, माँ बन के सोच। तू नहीं चाहती कि तेरे बेटे के जिस्म पर चर्बी के अलावा शादी की शेरवानी भी चढ़े? माँ बन के सोच, माँ बन के। इस वक्त भूल जा कि मैं कितना घटिया और कमीना इंसान हूँ, जो कि मैं अल्लाह के फजलो करम से हूँ, लेकिन तू फकत एक माँ बन के सोच। बात तो तू ठीक कह रहा है, अगर बतूल की शादी हमारे शाहरुख से हो जाए तो ये जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, यही तो जोड़ी अच्छी लगेगी। जरा तसव्वुर में ला, हमारा बेटा दूल्हा बना हुआ सोफे पर बैठा होगा और सोफे का वो आखिरी दिन होगा, और हमारी बहू दूर किसी स्टूल पर बैठी होगी, क्योंकि सोफे पर तो उसके लिए जगह ही नहीं होगी। मैं बतूल को कायल करने की कोशिश करती हूँ। वेरी गुड। रुकैया, तुम किस कदर सुगड़ और बेवकूफ बीवी हो, अपने शोहर की हर बात मान लेती हो। मेरी तो दुआ है खुदा तुझे कभी बेवा ना करे। आमीन सुम आमीन। दुआ मांगना, और वो भी अपने लिए। और अभी इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फिशनेस। चुप। चम्मा जी बैठो ना, क्या खाओगे, जलेबी या फिर पकौड़े? नहीं नहीं, आप कुछ ना मंगवाएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ कहो ना। कहो ना, चुप क्यों? सर अपना हाथ लाइए। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो, ठीक है। मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। क्या चम्मा, ये क्या कह रहे हो? अम्मा, जी मेरा कतन ये मकसद नहीं था। मैं तू यहाँ आया क्यों था अपनी बहन के साथ, अगर तूने धोखा करना था? अभी इन बातों को छोड़ें, आप इन्हें जल्दी से किसी अस्पताल ले जाएं या किसी डॉक्टर को बुलवाएं। डूब के मर जाओ तुम दोनों, शर्म आती है तुम लोगों को मुझे अपनी औलाद कहते हुए। और हमें तो जैसे बड़ा फखर महसूस होता तुम्हें अपनी अम्मा कहते हुए, है ना? ना अम्मा ना, उसके लिए कुछ बुरा ना मांग। लाना था तुझ पे, सारी बात पे गई है तू, है? और जिसने तुझे डसा उसी की खैर मांग रही। जी मेरा कतन ये मकसद नहीं था। मैं तू यहाँ आया क्यों था अपनी बहन के साथ, अगर तूने धोखा करना था? अभी इन बातों को छोड़ें, आप इन्हें जल्दी से किसी अस्पताल ले जाएं या किसी डॉक्टर को बुलवाएं। तू यहाँ से चला जा, हमें पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, जा यहाँ से। इसे पानी पिलाओ। हाय रानी, रानी होश करना मेरी बच्ची, होश करना। रानी तुझे कहा ना, जा यहाँ से। क्या हुआ? अच्छा किया गई थी तुम आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, सारा कुछ इसी की वजह से खराब हुआ है। लेकिन इसे हुआ क्या है रानी को? हाय पूछ अपने भाई से, हुआ क्या है? मेरी फूलसी बच्ची को मार डाला। जी मरी नहीं है, बेहोश हो गई है। मुझे फोन क्यों किया? अब मैंने तो नहीं किया। वो किसने फोन किया भाई? वो पट्टी, वो बटन गलती से दब गया होगा, मैं तो एम्बुलेंस मंगवा रहा था। बट्टी तू पानी लेने गया था या फोन करने गया था? काश ये फोन तूने डॉक्टर को किया होता। लेकिन इसे हुआ क्या है रानी को? पूछ अपने भाई से, हुआ क्या है, मंगनी तोड़ दी। हाय मेरी भूल से बच्ची। आपा, कम से कम आप तो मुझसे खफा ना हो। अब आप खुद ही बताएं कि मैं और क्या करता।
पहले नवाब, फिर बहादुर और अब रानी। काश के मैं वापस ही नहीं आया होता, बिला वजह आप लोगों की खुशियों में। चम्मे, अरे तुम भोले के भोले ही रहना। अरे गलती किसी और की, बेहिसी किसी और की, और शर्मिंदा तुम हो रहे हो। मर्दूद हो, बेगैरत हो। तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना मेरे भाई की खुशियां उजाड़ के। लो कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। तुम दोनों बजाय मेरी अजमत को सलाम करो, उल्टा मुझे जलील करी जा रहे हो। लो भाई सुन लो, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है। डूब के मर जाओ तुम दोनों। शर्म आती है तुम लोगों को मुझे अपनी औलाद कहते हुए। और हमें तो जैसे बड़ा फखर महसूस होता तुम्हें अपनी अम्मा कहते हुए, है ना? आपा प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ रोज और यहाँ रहूं तो ये सब अब खत्म होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी इंसान खुशियां हासिल करने के लिए करता है, दूसरों की मुस्कुराहटें छीनने के लिए नहीं। और मेरी खुशियां? अम्मा, तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कुर्बानी देता हूँ ना। फौरन बतूल के साथ मेरी शादी करा दो। मामू की शादी के कौन से भी कार्ड छप गए। बहादुर ठीक कह रहा है आपा, आप देखिएगा इस घर की खुशियां फिर से लौट आएंगी। एक बात मेरी भी, तुम सब कान खोल कर सुन लो। चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं चम्मे की शादी करवा के रहूंगी, और तुम भी ये बात समझ लो। बहुत लेट अम्मा भाई। अम्मा को बोलियो कि मेरी जो ऑफर है ना महदूद मुद्दत के लिए। हाँ अम्मा, अम्मा मेरा कुछ कर ले अम्मा, बस मेरी आखिरी फिल्म चल रही है, रील खत्म होने वाली है। ना मेरी बच्ची, अल्लाह ऐसा ना करे आखिरी फिल्म चले उस मनोस मारे की जिसने मेरी बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया है। ना अम्मा ना, उसके लिए कुछ बुरा ना मांग। लाना था तुझ पे, सारी बात पे गई है तू, हैं? और जिसने तुझे डसा है उसी की खैर मांग रही? अम्मा उसने कहाँ डसा है मुझे, डसा तो मेरी उस मनहूस बहन ने और इस कमबख्त नवाब के बच्चे ने, वरना ये रिश्ता तो कितना स्मूथ जा रहा था। रानी बेटा, डॉक्टर ने तुझे ज्यादा बातें करने से मना किया है, चुपके हो ले बेटा। हाय हाय, अब तो बस रानी की बातें ही रह जाएंगी। अम्मा मेरी मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, जिगर चलनी है मेरा, दिल घबरा रहा है। रानी बेटा, ये इतना सुर में गा के इस ड्रिप का असर जायल ना कर। चुप कर जा मेरी बच्ची, इतने सैंड गाने ना गाओ। अम्मा मेरा दिल कहता है चम्मा जी जरूर वापस आएंगे। हाँ, गेती ये ठीक कह रही है। मैं गेती नहीं बिल्किस हूँ। अच्छा माफी चाहता हूँ, तू तो बिल्किस है गेती। जा चला जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा, उड़ जा यहाँ से। अम्मा कुछ खाने के लिए दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा मेरी बच्ची, मैं तुझे खाने को देती हूँ, खुदा गारत करे उसे जिसने तुझे इस हाल तक पहुँचाया है। देखना तेरी बददुआ है, उसे हर तरफ से इनकार ही इनकार होगा। अम्मा चम्मा जी को बददुआ ना दो। चले बददुआ ना दे। नवाब। हाँ बोल, क्या है?
कुछ नहीं। सुनो, अब क्या है? तुम बहुत ही भोले हो। आप इतने देर से टहले जा रहे हो, आपको भूख नहीं लगती? नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। लो, मैं तो ज्यादा फिरता भी नहीं, हर वक्त बैठा रहता हूँ, फिर भी मुझे बहुत भूख लगती है। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हैं? हम क्या ऐसा कर रहे हैं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी डबल डेकर। क्यों, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? कमी नहीं, बहुत ज्यादती है। तुम्हारे घर वाले मुझसे तुम्हारी शादी क्यों करना चाहते हैं? बदले की भावना। बदले की भावना? हाँ, मेरे अब्बा तुम्हारी अम्मी से शादी करना चाहते थे, वो तुम्हारे अब्बा ने कर ली, तो मेरे अब्बा ने बदले की भावना में भट्टी अंकल की बहन यानी कि तुम्हारी पुप्पो और मेरी अम्मी से शादी कर ली। लेकिन उनकी बदले की ज्वालामुखी अभी तक ठंडी नहीं हुई, इसलिए वो मेरी शादी तुमसे करना चाहते। मेरी दलालत ही कमाई है, और तुम्हारे अब्बा को भी शर्म तो नहीं आती? एक लड़की उनके घर में पनाह लेने के लिए आई है और वो अपने बेटे की शादी के चक्रों में पड़े हुए हैं। वो तो मेरे अब्बा है, कौन से मेरे बेटे हैं जो मैं डांट डपट के उनको मना कर दूं? वैसे मेरे बेटे होते ना तो मैंने उनको बड़ा मारना था, मैंने बड़े बदले लेने उनसे। अपने बाप को समझा देना, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी तुमसे। मैंने तुमसे शादी करनी, मुझे नहीं मना, मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे शादी करनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? इस फैसले में आपने मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन फैसला तो आपने खुद किया। लेकिन हिम्मत तो आपने दी, बड़ा काम किया आपने मेरे लिए, ये शुक्रिया। एक बात कहूं सलीम साहब, अपनों को शुक्रिया अदा नहीं करते। फिर क्या किया जाए, आपका ये कर्ज है मुझ पर। इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे पास तो सारी जिंदगी पड़ी है कर्ज चुकाने के लिए। मैं चलती हूँ। अल्लाह मैं क्या करूं बटी, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। उसका लड़का आ चुका है, मुझे लगता है गेती ने उसे कहीं छुपा के रखा है। क्या मतलब? मतलब कि उनका लड़का घर आ गया है, हमारी बतूल कहाँ है? ओहो, बतूल से नवाब का क्या ताल्लुक? अरे रहे ना तुम घमड़ के घमड़, उन दोनों की वजह से हमारी बच्चियों का दिमाग खराब हुआ है। उनकी शह भी तो हमारी बच्चियों ने ये कदम उठाया है। ओहो, मगर हमारे पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं है। हाय भट्टी, तू तो अदालत लगा के बैठ गया है, सबूत चाहिए तुझे? सीधी सीधी बात है, ये नवाब का काम है। देख बिल्किस, किसी पर बिला वजह इल्जाम तराशी नहीं किया करते, वो बेचारी मासूम बच्ची गेती क्या सोचेगी। हाय वो मासूम बच्ची, चल अधेड़ उम्र कह ले, क्या सोचेगी वो? हाँ, सारा तो इसी बात पे जोर है, गेती ऐसा नहीं कर सकती, गेती वैसा नहीं कर सकती, गेती के लड़के ऐसा नहीं कर सकते। भट्टी, तुम मेरा शौहर है या गेती का वकील? तो अब ये बता के करना क्या है?
करना ये है मैं उसके घर जाऊंगी और जाके पूछूंगी कि मेरी बच्ची कहाँ है, वरना पुलिस होगी पुलिस। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वहां जाके कोई गड़बड़ मत करना। मैं वहां दीवार पे चढ़ जाऊंगा, उनकी बिजली बंद करूंगा। ओ बाबा, मैं उनसे बात ही करूंगा ना। अच्छा बेटी चलो, और बेटी मेरी चादर देना। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, भट्टी की तो सिटी गुम हो जाएगी जब उसे ये पता चला कि मैं उसका बहन हो ही नहीं बल्कि उसका समधी बनने वाला हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बतूल इनकार ही ना करते। मेरा नाम अमजद खान है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। बात सुन, मौलवी साहब को फोन लगा दिया मैंने, अभी आ रहे होंगे। मौलवी साहब जबरदस्ती का निकाह पढ़ा देंगे? तूने हीर रांझा फिल्म देखी? हमारे घर में तो हर वक्त शोले चलती रहती है, हीर रांझा मैं कहां से देखूंगी। काश तूने हीर रांझा देखी होती तो तुझे ये पता होता कि मौलवी साहब हीर का निकाह पढ़ाने के लिए किस तरह रजामंद हुए थे। और मौलवी साहब मान गए? अमजद खान कहीं हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। अल्लाह से दुआ कर कहीं हम पुलिस की पकड़ में ना आ जाए। बस तू तैयारी कर, शाहरुख का निकाह अभी बतूल के साथ होगा, अभी और इसी वक्त। नहीं अमजद खान, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बात तुझे किस बात का डर लग रहा? तेरा निकाह थोड़ा और आंख दे सानी। अपनी शादी के दिन तो मैं डरा हुआ था और तुझे किसी बात का खौफ ही नहीं था। बक बक बंद कर, मेरे साथ सोच समझ के बात किया। सोच समझ के बात करनी हुई तो तेरे साथ ही करूंगा बेवकूफ औरत। बस तू ऐसा कर, शाहरुख और बतूल को इकट्ठा कर दे और बच्चे की खुराक का ख्याल रखियो, गुतावा करना गुतावा उसके लिए। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। वहां खाने को मिलेगा? कच्चा ले लो साथ, वहां पे बहुत आग मिलने वाली पकाने के लिए। अच्छा फिर तो मैं ना वहां पर ना चिकन टिक्के खाऊंगा रोस्ट करके। वहां पे तो तुम्हारा अपना रोस्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो मुझे कौन खाएगा? तेरे बाप से बड़े बदकार होंगे वहां पे जो तुझे भी खा जाएंगे। ये ताला किसने लगाया अंदर से? अब्बा ने। और उसने मुझे कहा था, शाहरुख बेटा यहाँ बैठ जाओ, किसी को जाने ना देना, और चाबी ये जो है ना ये अपने पास रखना। मैंने ये चाबी अपने पास छुपा के रखी हुई है, किसी को नहीं बताया कि मेरे पास ये चाबी है। तुम्हारे बाप ने बिना कोई नमूना ही पैदा किया है जो हर वक्त केले खाता रहता है। मेरे केले भेज दिए, मेरे केले, मेरे केले, मेरे सारे केले, मेरे केले, मेरे लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नवाब का इस हादसे में कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ, हम तो जैसे यहाँ पे झूले ले रहे थे ना, तुम्हारे किए की सजा हम सबको मिल रही है। पहले आप उन दोनों की शादी करें आपा, देखा नहीं कैसा हंगामा किया उन्होंने। भाई ये जो नवाब और बहादुर है ना, इन्हें तुम अपनी जबान में समझा लेना कि उन लड़कियों के चक्कर से निकल आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सांप इसीलिए भेजा ताकि उस पर लिखना ना पड़े कि गिफ्ट किसकी तरफ से। शाहरुख, अब तू यहाँ क्या कर रहा? मैं अपा केले उठा रहा था।
अब केले का दरख्त क्या जमीन के अंदर लगता जो वहां से केले उठा रहा तू? अब बतूल कहाँ है? बतूल वो खड़ी अभी तो यही थी, बतूल किधर चली गई? अरे कहाँ गई बतूल? बतूल अभी यही खड़ी थी। खड़ी थी तो कहाँ गई? ये वो अबे उसके पास चाबी कहाँ से आई? वो अबे मैंने उसे बताया नहीं, चाबी तो वैसे मेरे हाथ में थी, उसने केले उधर गिर, मैं केले उठाने की चाबी वहाँ पड़ी हुई थी तो मैंने अकल किस दिन आएगी? मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया तूने। अमजद खान अगर वो पुलिस के पास चलेगी तो पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ जाएगी। अम्मा पुलिस है तो मेरा ना बताना। अरे चूहे की औलाद तेरा नहीं बताऊंगी, तेरे बाप करता हूँ। हाँ बाप का बता देना, बड़ा मजा आएगा। रुकैया रुकैया, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में, मुझे बचा ले किसी तरह बचा ले। तुझे शादी का बड़ा चाव था ना, अब पुलिस आके तुझे ही पकड़ाऊंगी मैं। बात सुन बे, अगर पुलिस आ जाए कहना अब्बा स्विमिंग के लिए गए हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैं भी घर पर नहीं हूँ, मैं भी अंदर जा रही हूँ, किन पागलों से मेरा वास्ता पड़ गया भाई। मैं क्या करूँगा पुलिस, मैं भी या यहाँ पे लड़की बरामद होगी या पुलिस आएगी। कोई यहाँ से जाए न जाए, लेकिन मैं यही कयाम तमाम करूंगा। भट्टी, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक लड़की बरामद नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाने का। ओ भट्टी साहब, जवान लड़की 2 दिन से गायब है, मेहरबानी करें। देखिए आप लोगों का गुस्सा और फिक्र बजा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नवाब का इस हादसे में कोई हाथ नहीं है। अरे चुप कर जाओ चम्मा जी। है आपकी तो अपनी गारंटी 2 नंबर निकल आई है, आप किस मुंह से लोगों की गारंटियां देते फिर रहे हैं? और सुनो बिल्किस, मुंह बंद कर अपना। जब तक रिश्ता था तो चम्मे से अच्छा कोई दुनिया में नहीं था, उसने खुद रिश्ता तोड़ दिया तो तुमने माथे पे आके रख ली। देखिए आंटी, आप अपने हल्का अहबाब में बतूल को तलाश करें, हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी ढूंढने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ओ मियां, बतूल आज नहीं तो कल मिली ही जाएगी, ये तूने आंटी किस हिसाब में कहा है? खुद बड़े काके बने फिर रहे हो। बिल्किस, वो गेती का भाई है, जरा हाथ हल्का रख। तू तो चुप कर। अरे अच्छा ही हुआ कि चम्मे ने रिश्ता खुद तोड़ दिया, अगर शादी के बाद तुम्हारा ये रूप देखती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करती। आपा आपा प्लीज अंदर जाए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना इन लोगों से, प्लीज। हेलो, खोला तो है नहीं, कौन बोल रहा है भाई? हमारी तो अपनी बेटी गायब हो गई है। कौन? रानी? रानी बतूल आ गई है। मुबारक हो, बतूल आ गई है। शुक्र है मेरे मालिक, मेरी बच्ची सलामती से घर आ गई है। मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। गेतियारा बेगम, अगर तुम्हारे नन्हे से दिल को ठेस पहुंची हो मुझे माफ कर देना। चलो भट्टी। तेरे कारनामे ने मेरा तो बेड़ा गरक कर दिया ना, मंगनी तोड़ के चला गया वो। अब क्या करने आई है तू घर पे? ओ मैडम रानी, ये घर तुम्हारा अकेली का नहीं है, समझी? अच्छा तो फिर घर में वापस लेने क्या आई हो तुम? तुम्हारा स्यापा करने गई थी, अब मेरे सर पे ना चढ़ो, पहले बहुत खप के आई हूँ मैं। हाँ हाँ, हम तो जैसे यहाँ पे झूले ले रहे थे ना, तुम्हारे किए की सजा हम सबको मिल रही है। अच्छा तो तुम सबके किए की सजा मुझे मिल रही है। बस मुझे ये बताओ, ये सब करके तुम्हें हासिल क्या हुआ है? ना वो तुझे मिला ना ही मुझे, एक हीरा छीन गया हम दोनों से। ना तुम्हारा उस पे हक ही क्या था? हाँ क्यों नहीं था? रिश्ता मेरा आया था, पहला हक मेरा था। अगर उसने मुझे पसंद कर लिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं हसीन ही इतनी हूँ। हाँ इतनी हसीन, जाके अपनी शक्ल देखो आईने में, समझी? ये तकलीफ जरा तुम खुद भी कर लो। देखो रानी, मेरा दिमाग ना खाओ, मैं कैसे आई हूँ कैसे रही हूँ ये सब नहीं पूछ रही, इस तरह की होती है बहने। ओ माय डियर सिस्टर, मैं तो भूल ही गई थी किस तरह की आप बीती रही तुम्हारी, तुम किसके साथ थी, कहाँ थी, कैसे रही, जिसके साथ थी उसे भी तुमने अज़ियत पहुँचाई है, उसका भी बेड़ा गरक किया या नहीं, या बचत होगी उसकी?
मेरा सुहाग खा जाने के बाद अभी भी भूख है तुम्हें या नहीं? कुछ खाओगी तुम? तुम्हारा कलेजा खाऊंगी और वो भी कच्चा। छोड़ूंगी तो मैं भी तुम्हें नहीं, कच्चा चबाजूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। जल काम बड़ी आई तुम। ये क्या बेहूदगी है, यानी कोई तमाशा दिखाने में कसर रह गई थी जो ये नया तमाशा लगा रही हो। अरे इससे ये पूछ भट्टी, ये कहाँ थी? रुकैया फूफो के घर। हाँ देखा, मैं ना कहती थी ये रुकैया के घर है और वो तो हवा तक नहीं लगने देगी। ये कमबख्त तुम्हारी, तो वहाँ क्या लेने गई थी, हमारे दुश्मनों के घर? ना तुझे जरूरत क्या पड़ी थी कि तू उस अमजद खान के घर गई जो हर वक्त पुरानी दुश्मनी की टोह में रहता है। भट्टी ये पुराने किस्से लेके ना बैठ, अभी की बात पूछ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे जिंदा। बहुत बुरा किया बेटा तूने, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरीफ बेटियां तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती हैं, और तूने एक बार भी ना सोचा कि इन वालदैन पर क्या गुजरेगी। आपने भी तो ज्यादती करते वक्त एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। अरे ये फैसला तो चम्मे का था, हमने क्या किया है? बस जो होना था ना सब मेरे साथ ही हो गया। मेरे सपनों का राजकुमार चला गया, मेरी माँ मैं कहाँ चली जाऊँ? तुझे तो मैं पागल खाने भेजूंगी, तेरा और ठिकाना नहीं है। ए दोनों दफा हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, और खबरदार बाहर आई तो वरना जिंदा गाड़ दूंगी। चलो अंदर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की लाज रख ली। अपना बिल्किस, हाँ जो हुआ सो अच्छा हुआ। बिल्किस जो हो गया सो हो गया, मगर एक काम बड़ा अच्छा हो गया। वो क्या भट्टी? गेंती आरा से मुलाकात हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बतूल वापस आ गई, सबकी जान में जान आई है। सबसे ज्यादा उसके घर वालों की, बहुत अजियत सही है उन्होंने। तो हमने क्या कम सही है, पुलिस तक नौबत पहुंच गई थी। चले अच्छा हुआ ना आपा, सुकून आ गया। लेकिन मुझे सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे सर पर सेरा देखूंगी। आपा क्या मतलब है, अभी तो आधा मोहल्ला रहता है, मैं कल से कोशिश शुरू कर दूंगी। आप इतना कुछ हो गया उसके बावजूद आप? इतना कुछ होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारी शादी ना करवाऊँ। तुम्हारी शादी तो मैं बड़ी धूमधाम से करूँगी। पहले आप उन दोनों की शादी करें आपा, देखा नहीं कैसा हंगामा किया उन्होंने। भाई ये जो नवाब और बहादुर है ना, इन्हें तुम अपनी जबान में समझा लेना कि उन लड़कियों के चक्कर से निकल आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझा दूंगा उनको, मगर वो हैं कहाँ? निकले आवारा गर्दियों पर, मुझे क्या पता कहाँ गए। लेकिन तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम जाओ, जाके आराम से सो जाओ। क्या मतलब बहादुर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पहले नवाब चला गया, अब तुम जाने की बात कर रहे हो? अच्छा प्लीज कोई हमाकत ना कर बैठना, ओके बाय। कौन था जमन? बहादुर आप नहीं जानते। जानता हूँ, इस मोहल्ले में जो कुछ हो रहा है सब जानता हूँ। एक लड़की को भगाया उन लोगों ने, इसलिए तुमसे कहता हूँ इन लोगों से दूर रहा करो। बेटा ये हमारी क्लास के लोग नहीं है। ये लोग जिस भी क्लास के हैं, आपने देखा कितने सच्चे हैं, कितने पुरखलूस हैं, बेलौस मोहब्बत है उनके दिलों में। जैसे वो अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। कमान समन, मुझे डर है तुम जितना उन लोगों के करीब जा चुकी हो, कहीं अपने लिए उनमें से किसी एक को न चुन लो। इसका तो मुझे नहीं पता पापा, लेकिन ये बात तय है कि मैं अपनी क्लास से किसी को नहीं चुनूंगी। जहां पर सिर्फ मटेरियलिस्टिक और सेल्फिश अंदाज में देखा और सोचा जाता है। लेकिन ये मत भूलो समन कि तुम भी उसी क्लास से बिलोंग करती हो। बिलोंग करने में और ओन करने में बहुत फर्क है पापा। समहाउ मैं इन मोहल्ले वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, मेरी रूह इनके साथ जुड़ चुकी है। हाथ धोती है समन,
तुम्हारा रवैया इंतहाई इंसल्टिंग होता जा रहा है। ये मत भूलो कि हमारी एक क्लास है, सोसाइटी में हमारी एक रिस्पेक्ट है, एक मुकाम है। जी, और इतने बड़े हादसे के बाद मैं अपना मकाम, हैसियत और क्लास बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। माय गॉड, तो नहीं समझोगी समन। अरे मेरी जान, सांप इसलिए भेजा है ताकि उस पर लिखना ना पड़े कि गिफ्ट किसकी तरफ से। वो बुतूल जब से आई है गुमसुम सी रहती है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओ, वो परेशान है, तू ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रही है। अबे क्या बकवास कर रहे हो, मैं ठाकुर भाई हूँ, पूरे मोहल्ले का हीरो। हीरो तो भाई वो होता है जिसकी बगल में ही हीरवन होती है, और फिलहाल तो हीरो चम्मा है चम्मा। वैसे तो ये मिठाई चम्मा मियाँ तुम्हारी मंगनी की सूरत में आनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा समझ के हम कबूल किए लेते हैं मियाँ। अबे शिकारी अंकल ध्यान से, हमारे मामू बड़े मासूम है, इनका रिश्ता कहीं किसी लूमड़ी के साथ मत करवा देना। अगवा का मुकदमा है इसके खिलाफ। लेकिन लड़की तो घर वापस आ गई है। पर्चा तो अभी बाकी है ना, जब तक कागजों से केस खत्म नहीं होगा तफ्तीश चलती रहेगी।